एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 4। अब इसमें क्या कहा गया हमें कि 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पार्ट नंबर 4। 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन दी गई है वो 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दो इक्वेशन है। अब इनका डिनोमिनेटर जो देखें लेफ्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x माइनस 1 है, यहां पर भी x माइनस 1 है, y माइनस 2 है, यहां पर भी y माइनस 2 है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उन दोनों इक्वेशन में जो x और y वाले पार्ट होंगे डिनोमिनेटर में वो सेम होंगे, और आप उनको हमेशा एज्यूम कर लें ताकि क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो सके। लेट x 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू b। अब इसके बाद आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी, आपने डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1 है उसको a लेट किया, तो इक्वेशन बन गई 5a प्लस 1b इज इक्वल टू 2। अब इसका नंबर हो जाएगा 3 क्योंकि दो नंबर तो पहले डल चुके हैं। ऐसे ही ये बना 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से अगर मुझे a इक्वल करना है दोनों में तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 5 से 30, और इसको 5 से 5 6 से 30। पर अगर मैं b को इक्वल करना चाहूं तो मुझे सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों इक्वेशन में 3 भी बन जाएगा, तो वो इजी रहेगा। अब यहां से स्टेप मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3। अगर हम थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है 3 5 जा 15a प्लस 3b एंड 3 2 जा 6। ये इक्वेशन नंबर 5। अब जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है वो हमने चेंज नहीं की, जो चेंज की थर्ड हमारी फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अब जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है उस पे इसके बाय में लिखें 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अगर डायरेक्ट बी कैंसिल हो रहा है तो स्टेप रहता है बाय एडिंग, और अगर आपको साइन चेंज करने पड़े तो हमें लिखना पड़ता है सब्ट्रैक्टिंग कि हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से क्या मिला, प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो गया, 15 प्लस 6 21a इज इक्वल टू 7, देन a इज इक्वल टू 7 बाय 21, a इज इक्वल टू 1 बाय 3। ये आपकी वैल्यू आ गई a की। अब जो वैल्यू आई इसे किसी इक्वेशन में पुट करें, जहां पर भी a और b में इक्वेशन बनाई आपने, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। तो जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वो है 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, और जो a है उसकी वैल्यू है आपकी 1 बाय 3। नाउ b ये बन गया आपका 5 बाय 3 प्लस b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 बाय 3, b इज इक्वल टू 3 टू जस्ट 6 माइनस 5 बाय 3। तो यहां से आपकी b की वैल्यू आती है b इज इक्वल टू 1 बाय 3। पर हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी है x और y में। तो जहां पर आपने एज्यूम किया था वहां पर पहुंचिए, एज्यूम था हमारा 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1 बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू b। तो वैल्यू क्या आई हमारी, 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 3। ओके, दोनों में 1 बाय 3 एंड 1 बाय y माइनस 2 है, ये 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय 3। अब जो ये पार्ट है दोनों तरफ ऐसे प्रॉपर कर दीजिए, तो ये बना x माइनस 1 बाय 1 एंड 3 बाय 1। 1 डिनोमिनेटर में लिखना जरूरी नहीं होता, तो x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए दोनों तरफ वैसे प्रॉपर करेंगे, ये बन गया 3 प्लस 2 देन y इज इक्वल टू 5, और ये आपके आंसर x is equal to 4 and y is equal to 5।